अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी तो हर कोई चौंक गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो कि चेज में बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो चेज करते वक्त ही पाकिस्तान जैसे बड़ी टीम को हरा देगी। जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान 7 बार भिड़े थे ODI में और कभी भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को नहीं हराया था, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप 2023 में ये कारनामा करके दिखाया अफगानिस्तान ने और पहली बार ODI में पहली बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। इस बात से पाकिस्तान के एक पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हैं वसीम अकरम बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए हैं, अपनी ही क्रिकेट टीम पर, अपनी ही पाकिस्तान टीम पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। उन्होंने एक शो में बात करते हुए अपने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर और उनके फिटनेस पर बहुत ज़्यादा भड़ास निकाली है। चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि वसीम अकरम ने क्या कुछ कहा है अपने स्टेटमेंट में। हम 3 हफ्ते से शो पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के अलग अलग नाम लूं, इनके इतने इतने मुंह हुए हैं, ऐसा लगता है कि 8-8 किलो कढ़ाई खाते हैं, निहारी खाते हैं, इनका कोई टेस्ट भी तो होना चाहिए। ये लोग प्रोफेशनली खेल रहे हैं, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फील्डिंग आपके फिटनेस पर डिपेंड करती है और हम वही लैक कर रहे हैं। पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, हमेशा ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की फील्डिंग का एक पुराना रिश्ता रहा है, ख़राब फील्डिंग का एक पुराना रिश्ता रहा है हमेशा से ही। सब लोग बोल बोल के थक गए कि भाई अपनी फिटनेस सही करिए, अपनी फील्डिंग सही करिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये बात समझ ही नहीं आती है। हमेशा ही क्या होता था कि इनकी बॉलिंग और बैटिंग अच्छी होती थी, ख़राब फील्डिंग उसमें छुप जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, ना ही इनकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, ना ही बल्लेबाजी अच्छी हो रही है। इस वजह से जो ख़राब फील्डिंग इनकी वो एक्सपोज हो चुकी है, बॉलिंग भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। भाई बॉलर की भी क्या गलती, जब आप कैचेस छोड़ोगे तो बॉलर भी कहाँ से ही आपके विकेट लेगा। इस वजह से फील्डिंग बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की, कि फील्डिंग अपनी सही करें। और वसीम अकरम की आप इस स्टेटमेंट से कितने ज़्यादा सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।